आज हम भी हुसैन पाक की मोहब्बत में आए जी। वाह, मेरा ये कहना रहता है, याद रखो, अगर किसी के यहाँ कोई औलाद ना हो, किसी का मर्ज लाइलाज हो, कोई ऐसी परेशानी में उलझा हुआ हो, हुसैन की महफिल में बैठा करो, दिल में ये नियत कर लिया करो, दिल ही दिल में नियत कर लिया करो, कहा करो मौला हुसैन का सदका नसीब फरमा दे। आमीन। दसों लोगों की ऐसी मिसाल है हमारे पास, कौन आए कि उनके कैंसर तक खत्म हो गए। पता नहीं किस पे नजरे करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मैं चलू हुसैन पाक, क्योंकि मुझे आगे बोलना, ये बता दूं हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हुकूमत के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए। उन बेवकूफों से कहना, अरे वो तो आले रसूल थे, जिनका चर्चा जिनका जिक्र कुरान और हदीस में हो तो उसे शोहरत की अब क्या जरूरत रह गई। कि जिनका जिक्र अगर नमाज में ना करो तो नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, कौन थे ये? जिनकी मोहब्बत अगर मोहब्बत के बगैर जिसका ईमान मुकम्मल ना हो तो फिर उन्हें अब शोहरत की क्या जरूरत रह गई। अरे जो खुद नबी के घराने में पैदा हुए हो उन्हें इज्जत की क्या जरूरत है कि जिसके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर भी छाते हो। बोलो उसे किस चीज की जरूरत है जिसकी पावर का ये आलम हो। अगर हुसैन रो पड़े कपड़ों के लिए ईद के लिए तो जन्नत, तो फरिश्ता जन्नत से कपड़े लेकर के आ जाए। फातिमा नमाज पढ़ रही है, हुसैन झूले में रोने लगे तो फरिश्ते और हूरे झूला झुलाने के लिए आ जाए। हुसैन घर से बाहर निकले तो फरिश्ता अपने परों से हवा करने के लिए आ जाए। तो फिर उसके मर्तबे का आलम क्या? अरे अगर नबी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में गए, हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, अब और क्या रह गया? अरे अगर नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन गिर पड़े, नबी ने जुमे का खुतबा रोक के हुसैन को उठाने चले गए, हुसैन को उठा लिया, और क्या लोगे? लेकिन हुसैन पाक न दौलत के लिए गए, न शोहरत के लिए गए, न अपने बच्चों को बचाने के लिए गए, न अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए गए, तो फिर हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए? मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए, तुम्हारे जहनों के करीब करने के लिए एक तमसील बयान करना चाहता हूँ। यहाँ फरीदापुर के लोग हैं, यहाँ कयूर मुसलमान है, सुनो। अगर किसी का बच्चा हाई स्कूल कर रहा हो, किसी का बच्चा इंटर में हो, किसी का बच्चा बीए कर रहा हो, किसी का बच्चा एमए कर रहा हो, जो भी कोर्स कर रहा हो, लेकिन अगर इंटर का ले लीजिए, किसी के बच्चे ने फॉर्म भरा, तो ये फॉर्म किस लिए भरा? इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? इम्तिहान देने के लिए फॉर्म भरा गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो उसकी माँ को पता नहीं है क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा? क्या उसके बाप को पता नहीं है मेरे बेटे ने फॉर्म भर दिया है इम्तिहान देगा? हाँ हाँ पता है। अरे बेटे की अगर, बेटा का अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो वो ट्यूशन लगा रहा है, अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है, अगर किसी और चीज संस्कृत में कमजोर है तो ट्यूशन लगा रहा है, लेकिन माँ भी दुआ कर रही है, ए मौला तू मेरे बेटे को पास कर देना। बाप मिले कह रहे हसन साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि मेरे बेटा अल्लाह ताला उसको मेरे बेटे को पास कर दे। हमें मिला के सही साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा ले, किसी ने ये दुआ नहीं कराई है मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे। अगर वही बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया तो लड्डू बट रहे, मिठाई बट रही है, पूरा खुशियों का माहौल बना पड़ा है। अगर वही बच्चा फेल हो जाए, वही बच्चा वहीं पे फेल हो जाए तो माँ की गर्दन भी झुक गई, बाप की गर्दन भी झुक गई, भाई कह रहा सारे पैसे खराब कर दिए, अरे उसकी बेइज्जती हो रही है, घर वालों की बेइज्जती है, ये हमारे तुम्हारे बच्चों का मामला है। लेकिन फातिमा के यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन रखा जाता है, 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा होता है। वही बच्चा जब पैदा हुआ, अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं आका इस बच्चे को इम्तिहान देना होगा, आका इस बच्चे से इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कहा कैसा इम्तिहान? कहा
इस्लाम लड़खड़ाता होगा तो ये बच्चा इम्तिहान पास करके इस्लाम को पार करेगा। कहा का जब इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम नीचे आता होगा, ये बच्चा जो है इम्तिहान दे करके इस्लाम को कांधे पे बिठा करके आगे बढ़ाएगा। कहा बहुत कठिन इम्तिहान है, इम्तिहान में बहुत सब सब्जेक्ट है, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। कहा बहुत कठिन मामला है। कहा कितना कठिन है? कहा आका तीन दिन भूखा रखा जाएगा, तीन दिन प्यासा रखा जाएगा, हुसैन के बच्चों को शहीद किया जाएगा, हुसैन के सामने काटा जाएगा, इनकी औरतों के दुपट्टों में आग लगा दी जाएगी, हजरत सकीना के थप्पड़ लगेगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमा दिया कितना ही कठिन हो इम्तिहान, मुझे इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझे कुरान बहुत प्यारा है, मेरा हुसैन जरूर इस इम्तिहान को पार करेगा, ताकि कुरान की शान को बुलंद कर दे, ताकि इस्लाम को बुलंद कर दे, मेरा हुसैन इम्तिहान देगा। अरे नाना ने फार्म भर दिया, हुसैन का फार्म भरा गया। अब जब फार्म भरा गया है, माँ को भी पता है हुसैन इम्तिहान देगा, फातिमा को पता हुसैन इम्तिहान देगा, अली को पता है हुसैन इम्तिहान देगा, मुस्तफा को पता हुसैन इम्तिहान देगा। लेकिन नबी दुआ नहीं कर रहे हैं कि मौला हुसैन को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि यही दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। मारो रो करके दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे को सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अली भी दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अब मुझे बताओ, क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? क्या फातिमा की दुआ रद्द हो सकती है? क्या अली की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं नहीं, अरे आज का टीचर ये ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, मेरे नबी हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे। बेटे हुसैन, मैंने वायदा कर लिया है, मेरे वायदे को तुम वफा करना, मेरे वायदे को तुम खिलाफ मत करना, वरना दुनिया ये कहेगी नाना ने वायदा किया, नवासे ने उसको तोड़ दिया। हुसैन बोले, नाना मेरी रगों में फातिमी दूध और अली खून, हैदरी खून है। नाना बोलो, नाना मैं अपने खून का एक एक कतरा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा सर नीचे नहीं होने दूंगा। बोलो क्या इम्तिहान है? कहा बेटे सुन, तेरी बेटी सकीना के थप्पड़ पड़ेगा। हुसैन बोले, मैं सब्र करूंगा। कहा सुन, तेरी बेटों को छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे अली असगर को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले, मैं सब्र करूंगा। भांजो को औला मोहम्मद को काटा जाएगा, बोले मैं सब्र करूंगा। हजरत अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन बोले मैं सब्र करूंगा। कहा बेटे, तुम्हारी घरवाली खानदान अहले बैत के खेमों में आग लगा दी जाएगी। हुसैन बोले, सब्र करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अरे हुसैन ने नाना से वादा कर लिया। कहा बेटे, मेरा सर झुकने मत देना। कहा मैं हुसैन हूँ हुसैन। अरे जब नाना नाना इमामुल अंबिया है, तो नवासा भी तो सैयद शुहादा होगा। अल्लाह अल्लाह, सैयद शुहादा होगा। अब हुसैन पाक है, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। फातिमा कह रही है, बेटे हुसैन मैंने तुझे दूध पिलाया है तो इसलिए नहीं पिलाया है, अरे मेरा दूध जरूर चौलानी पैदा करेगा। बेटे मेरे नाना का मेरे बाबा का सर झुकना नहीं चाहिए, दुनिया ये कहेगी फातिमा का सपूत फेल हो गया, फातिमा का सपूत हार गया। अरे 3 दिन बर्दाश्त करना। हुसैन बोले, 3 दिन क्या है माँ? ओ अम्मी जान, अगर नाना कह देते 3 साल का वायदा कर लेते तो तेरा बेटा 3 साल तक पानी को हाथ नहीं लगाता, 3 साल तक पानी नहीं पीता, ये 3 दिन क्या है? अल्लाह अल्लाह, कह रही है बेटे मेरा सर झुकने ना दे, वरना दुनिया ये कहेगी फातिमा का बेटा फेल हो गया। मेरे हुसैन ने आंसू पोंछ दिए। कहा माँ मुझ पे भरोसा करो, मेरे सब्र के लिए दुआ करो। अब अली पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटे हुसैन, अरे ये तेरा बाप अली है, जब तेरे नाना मैदान में आते अगर एक तरफ कुफार होते तो अली ज़ुल्फ़िकार लेके अकेला मैदान में आ जाता था, ऐलान कर दिया करता था किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो हाथ लगा दे। कहा बेटे, अरे तेरी रगों में अली का दूध है, अली का सर नीचे नहीं झुका है आज तक। बेटे हुसैन, तेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, तेरे कांधों पे इम्तिहान है, तू अपने नाना
आका का सर झुकने मत देना। हुसैन बोले अब्बा जान परेशान मत हो, जरा हुसैन का टाइम आने दो। अरे लोगों, ये तो हुसैन करबला में जो गए थे लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे अपने बच्चों की प्यास बुझाने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, करबला में जो गए थे दौलत शोहरत के लिए नहीं गए थे। अरे खुदा की कसम, बच्चों को प्यासा रख के इस्लाम की प्यास बुझाने गए थे, इस्लाम को जिंदा करने गए थे। और नाना ने जो वायदा कर लिया था वो वायदा वफा करने गए थे। उन लोगों से कह देना कि जो कहते हैं हुसैन लड़ने गए थे, कहना जाओ एक तरफ, अरे मेरे हुसैन का पावर नहीं देखा है तुमने, सैयदों का जलाल नहीं देखा है तुमने, अरे हुसैन तो हुसैन, हुसैन के घर का एक बच्चा, हुसैन का बेटा करबला के मैदान में हाथ खड़े करता, खड़े करके अपने हाथ ऊपर को करके अल्लाह की बारगाह में जबान उठा देता, पूरी दुनिया के यजीदी तलवार चला के यजीदी नेज़े चलाते, लेकिन हुसैन का बेटा अपनी ज़बान चलाता और कहता मौला पूरी दुनिया के यजीदियों को नेस्त नाबूद कर दे, तो मेरा ईमान ये कहता है पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन का बेटा एक तरफ, एक एड़ी मार देता पूरे को जमीन में धसा करके रख। नारे तब्दी, नारे नारे हैदरी, जिगरे शहीद आजम, जिगरे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सैयद मगर रहमान साहब किबला, सरजमीनी फरीदापुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। अब पता चला हुसैन पाक करबला शरीफ क्यों गए। कहते हैं कि हुसैन अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए। अरे पानी की क्या हैसियत है, हुसैन के घर का एक बच्चा अगर एड़ी मार देता ना तो हजारों नहर फरात करबला से उबल जाती। आहा वाह वाह, ये पावर। और कितने ही पहरा लगा लेते, हजरत सकीना अगर प्याला दिखा देती तो कोई माई का लाल उस पानी को रोक नहीं पाता। और ये जवाब हुसैन के बेटे 14वीं 13वीं पीढ़ी में गरीब नवाज ने दे दिया। बेशक जब इन पे पानी बंद हुआ, ये तो सबको मालूम है, तो इन्होंने बुलाया बेटे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि इधर आओ, प्याला ले जाओ, जहां तक जा सकते हो चले जाओ, जहां रोक दिए जाओ कह देना गरीब नवाज ख्वाजा पियाने बुलाया है। सुभान, पूरा वाकया सुनाना नहीं, सिर्फ एक बात बताना। बोलो खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा, पावर तो देखो। जो 13-14 पीढ़ी के बाद हुसैन का बेटा जब पानी बुला सकता है, तो क्या हुसैन की सगी बेटी या बेटा नहीं बुला सकता था। वाह वाह वाह, बोलो बुला सकता था। अब सुनो, याद रखना, गरीब नवाज में कांच जाओ कह दो ख्वाजा पियाने बुलाया तो पूरा पानी है ना सागर का, बोलो आ गया नहीं आ गया था, आ गया था तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि हुसैन के बच्चे प्यासे तड़पते रहे लेकिन पानी की बूंद नहीं मिली। अरे ये गलत है, प्यासा नहीं तड़पा, नहरे फरात तड़पती रही, उसकी किस्मत में हुसैन के बच्चों के लब नहीं थे, हुसैन के लब नहीं थे, इसलिए नाना ने बहुत पहले वादा कर लिया था बेटा करबला में बच्चों को पानी नहीं पिलाना, मेरे इस्लाम को पानी पिला देना, बच्चों को मत बचाना, इस्लाम को बचा लेना। वो कि हुसैन ने अपने नाना का वादा वफा, बेशक वाह वाह वाह, सुभानल्लाह सुभानल्लाह, बेशक। नवासे रसूल हजरत सैयद फातिमा के फूल अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब आले रसूल, नारे तकबीर। अब बोलो जी, पता चला हुसैन पाक क्यों गए थे करबला, पता चल गया इस्लाम को बचाने हमें आगे बढ़ते। लोग कहते हैं मेरे भाई आज हम हुसैनी,
बोलो है कि नहीं? मगर ईमानदारी से सीने पे हाथ रखे, आज के बाद तुम जाकर के अपने शीशे में एक मरतबा अपना चेहरा देख ले, सिर्फ एक मरतबा, फिर मुझे बता देना, तुम अपने आप को खुद बता देना कि तुम्हारा चेहरा हो किसी हुसैनी से मिल रहा है। इतना बता देना बस कि हमारा चेहरा किसी हुसैनी से मिल रहा, हमारी दाढ़ी अब भी मुड़ती चली जाए। बोलो किसी का चेहरा दाढ़ी मुड़ा रहा, मूछे मुड़ा रहा, हुसैन पाक से मिल रहा। मेरे भाई हम पक्के सच्चे हुसैनी उस वक्त होंगे जब हमारे खाने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारे पीने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारे चलने की अदा बोलेगी हुसैन हुसैन, हमारी हर हर धड़कन बोलेगी हुसैन हुसैन। तब फरिश्ते कहेंगे मौला मौला अगर उस पे अजाब आने वाला होगा, उस बस्ती पे अजाब आने वाला होगा। फरिश्ते जब आएंगे तो अल्लाह कहेगा कि नहीं फरिश्तों, तुम्हें पता नहीं है उस बस्ती में एक गुलाम हुसैन रहता है, चलता है तो उसके चलने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है, जब खाता है तो उसके खाने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है, जब पीता है तो उसके पीने की अदा हुसैन हुसैन बोलती है। मुझसे एक वायदा कर लो और फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं। बोलो हुसैन का दामन क्या छोड़ोगे तुम? दामन छोड़ोगे? सब मुझसे वायदा करो, पक्का सच्चे हाथों से दामन पकड़ो, हाथ उठाओ, बोलो हुसैन का दामन नहीं छोड़ोगे ना। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता। कमेटी वाले यहाँ पे हैं, जरा कमेटी वाले हाथ उठाइयो, कितने देखो, दो तीन चार पांच छह, छह और कहाँ, सो रहे हैं क्या घरों में? छह इतने ही है, चलो अगर एक आध कम होंगे तो आ जाएंगे, छह। अब सुनो, हुसैन का दामन नहीं छोड़ोगे ना, अगर जान देनी पड़े तो, लेकिन हुसैन का दामन। तुम एक बात बताओ, मुसलमान जो होता है वो वायदा पक्का करता है, करता नहीं करता? बोलो तुम मुझसे वायदा कर रहे हो? वायदा कर रहे हो? बोलो ये हुसैनी कमेटी है ना, मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो हुसैन का दामन, किसी और से वायदा नहीं कर रहा हूं, आले रसूल से वायदा कर रहा हूं। बोलो तुम्हारा वायदा पक्का है सच्चा? पहले कमेटी वाले हाथ उठाओ, बोलो हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ोगे ना? बोलो हुसैन पाक का दामन। एक बात बताओ, तुम ये सोच रहे हो हुसैन पाक 61 हिजरी में शहीद हुए? कब हुए? 61। अभी 1439 हिजरी चल रही है, कितनी है? 61 को 1439 में से माइनस करिए, निकालिए 1378, 78 या 77, गालिबन 78। 1378 साल हुसैन पाक को शहीद हुए हो गए। तुमने किसी ने हुसैन पाक को देखा? बोलो, उनके कपड़ों को देखा, उनके दामन को देखा? जब नहीं देखा तो तुमने पकड़ा क्या? खाली मुली हमारा ये दावा झूठा रहता कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन कहां है? बोलो, सबने यही वायदा किया कि हुसैन का दामन कहां है? कोई पूछ ले तो क्या करोगे? कहां है दामन? मैं बताऊं? बता दूं मैं? दामन का मतलब ये नहीं है, कहीं सोच रहे हो, दामन का मतलब ये नहीं, अगर ये होता तो कोई मौलवी पकड़ लेता। मैं भी मंतिक पढ़ाता हूं, तुम्हें दो मिनट में समझाऊं। कभी जर्फ बोल करके मजरूफ मुराद लिया, ये रास्ता कहां जा रहा? बोलो कहां को जा रहा? जल्दी बोलो, कहां को? रोड पे को जा रहा। कितने दिन हो गए चलते हुए? बोलो बोलो, बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक गया नहीं। समझे? शरह तहजी मुल्ला हसन सोल्ला मुरलूम सब पड़ी। अब सुनो, ये रास्ता गया नहीं, नदी चल रही है, रुकी पड़ी है, नदी नहीं चल रही, कुछ और चल रहा है। काला बच्चा उसका काला, औरत कह रही है, प्यार कर रही है कि नाक का डोरा यहां तक लटका पड़ा, और कह रही वाह मेरे चांद, लो ये कलुआ भी चांद हो गया, वो ऊपर ये नीचे। किसी ने कहा था वाह मेरे शेर, शेर की दुम होती है इसके कान, यही मतलब समझाना मेरा। सुनो,
अरे इसका मतलब ये नहीं है कि हुसैन का दामन ये हुसैन के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हुसैन का तरीका नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब है तरीका। अब अगर मैं बोलूं कि हुसैन का दामन, तो मतलब ये हुसैन का तरीका, और खुदा की कसम जो नबी का तरीका वो हुसैन का तरीका था। इसलिए हुसैन चलते थे तो उनके चलने की अदा बोलती थी नबी नबी, उनके खाने की अदा बोलती थी नबी नबी, उनके पीने की अदा बोलती थी नबी नबी, उनका सोना उठना बैठना जागना हर हर धड़कन बोलती थी बोलो नबी नबी। तो तुमने वादा किया है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दामन जो है वो हुसैन का तरीका है। बोलो क्या है? हुसैन का तरीका कोई माइकलाल ये नहीं बता सकता, कोई मुफ्ती ये नहीं बोल सकता, किसी की किताब ये नहीं बोल सकती कि मेरे हुसैन ने कभी दाढ़ी मुंडाई है। हुसैन ने जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, तो हुसैन का तरीका हुआ दाढ़ी। यही बात है। तो जो तरीका वो दामन, और तुमने मुझसे वायदा किया कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब कमेटी वालों हाथ उठाओ कि आज के बाद देखो किस किस की दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, ताकि ये हुसैनी कमेटी बाकायदा हुसैनी बने। माशाल्लाह हम, अरे शर्मा क्यों रहा, उठाओ क्या ना, उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ, शर्मा मत। हाँ ये रेहान है, माशाल्लाह आज से कमेटी जब हुसैनी कमेटी है तो नाम रखने से क्या फायदा। अरे चेहरा भी हुसैनी बनाओ, अमल भी हुसैनी बनाओ, किरदार भी हुसैनी हो, करैक्टर भी हुसैनी हो, पक्के सच्चे गुलाम हुसैन हो। तो मैं हाथ उठते हुए नहीं देख रहा हूँ, पहले कमेटी वाले हाथ उठाऊ। कमेटी वालों आज के बाद तुम्हारी दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी, एक ही थोड़ी है कमेटी में। इधर किसका हाथ उठा था, वो कमेटी में थे उस वक्त, इधर कौन थे कमेटी? अरे छुपे हुए बैठ रहे हो, तुम सोच रहे हो हम बच जाएं? बेटा नहीं बचोगे। तुम सोच रहे हो यार सैयद साहब को तो बड़ा गलत बुलाया, मैं तुम्हारी तारीफ करके नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बना के जा रहा। चेहरों में देखोगे, उस शीशों में देखोगे, पता चलेगा कि किसी हुसैनी का चेहरा। आज के बाद तुम्हारी दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी, बोलो इंशाल्लाह नहीं मुड़ेगी। दो हो गए, तीसरे कौन थे? तुम्हारी तो है, तीन हो गए, चौथे उनकी भी है, ये पांचवे इनकी भी नहीं मुड़ेगी। अल्लाह अभी छिलवा के आओगे। चलो बहरहाल मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, मजाक नहीं, कम से कम हाथ उठ गया। अब तक जो अगर जिसने किया अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ करेगा। आज के बाद दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी, बोलो इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। और कोई तो नहीं रहा? अरे पहले घर से तबलीग करनी चाहिए, अब ये कमेटी वालों से तबलीग होगी तब बात आगे चलेगी। इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। तो अब मैं ये बता रहा था हुसैन पाक करबला के मैदान में क्यों गए। मेरे भाई ये इस्लाम तुम्हें पता नहीं है कैसे हम तक पहुंचा है। मैंने एक शिक बता दी कि नाना का वायदा वफा करने गए, लेकिन दूसरी बात सुनो, हुसैन पाक करबला क्यों गए? अरे हुसैन पाक करबला इसलिए गए कि वही इस्लाम का पौधा, अरे वो इस्लाम का शजर, वो इस्लाम का दरख्त जो मेरे नबी ने मक्के की जमीन पर लगाया था। मेरे नबी इस इस्लाम के पौधे को सींचते रहे, 63 साल जिंदगी इस इस्लाम के पौधे पर लगा दी, ताकि मेरा हर हर उम्मती कयामत तक आने वाला मुसलमान इसी इस्लाम के पौधे के नीचे फलता फूलता रहे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी 60 साल जिंदगी गुजारने के बाद जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन ये इस्लाम का पौधा रह जाता है। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर आ जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक इसकी सींचते रहते हैं, इसकी देखरेख करते रहते हैं, इसको संभालते रहते हैं, ये भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी हजरत उमर पर आ जाती है, वो भी इस इस्लाम को सींचते रहते हैं, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब उस्मान गनी पर जिम्मेदारी आ जाती है, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आ जाती है, अरे वो भी इस्लाम को सींचते रहे। अगर कोई जालिम निकल के आता है तो अली ज़ुल्फ़क़ार लेके मैदान में आ जाते हैं, कोई इस्लाम को गिराने की कोशिश करता है अली उसे मैदान में पछाड़ दिया करते हैं, उसे काट कर रख दिया जाता है, लेकिन अली भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम की देखरेख करने के लिए हजरत इमाम हसन की जिम्मेदारी आ जाती है, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब के बाद हजरत अमीर माविया की जिम्मेदारी आ जाती है, वो भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं।
अब ये जमाना आ जाता है कि इस्लाम लड़खड़ाने लगता है, वो दौर आ जाता है कि इस्लाम अब पांव फड़फड़ाने लगता है, आखिरी सांसें लेने लगता है। अरे इस्लाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही एक जालिम उठता है जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, जिसको यजीद कहा जाता है, ये इसका दौर दौर आ जाता है। अरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन एक तरफ शराब का प्याला है, दूसरी तरफ नाजायज और तो इसके दूसरे हाथ में है। एक तरफ शराब का, एक तरफ पुराने पाक है, दूसरी तरफ शराब का प्याला है। अरे सगी बहन से निकाह इसने जायज कर दिया था, शरीयत को तशरीयत में तबीयत को मिला रहा था। यहां तक के आलम इतना बिगड़ चुका है मेरे भाई, माहौल इतना बिगड़ चुका है कि नबी का कलमा पढ़ने वाले एक यजीदी को देखो, इसने 7 औरतों को अपने रूपियों की बिना पर खरीद लिया, एक रात के लिए खरीद लिया, एक बड़ी बैठक में 7 औरतों को इसने जमा कर लिया, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो शराब के मटके रख लिए जाते हैं, शराब पिला पिला करके उसके साथ अय्याशी कर रहा है, 7 औरतों के साथ नाच रहा है, ढोल बज रहा है, अल्लाह अल्लाह पूरी रात गुजार रहा है, वो नंगे जिस्म पर शराब डाल रही है और रक्स कर रही है। ये जो था यजीद नबी का कलमा पढ़ने वाला, अरे अपनी जबान से और मुंह से शराब चाट रहा है, अय्याशी कर रहा है, लेकिन इसके घर में कुरान रखा हुआ है। एक शराबी औरत आती है, वो आगे बढ़ती है, उसकी तरफ तवज्जो कम है, लेकिन ये शराब के मटके के करीब जाती है, शराब के मटके से प्याला लेती है और लेने के बाद अपने ऊपर लौटती है और नाचती हुई उसकी गोद में जाकर के गिर जाती है। बहुत गंदा नाच नाचा जा रहा है। अरे ये नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इस्लाम को दाग दाग कर रहे हैं, कुरान इनके घर में है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुरान को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा आलम है। लेकिन अब एक औरत उठती है जो बिल्कुल बरहना नंगी है, अल्लाह अल्लाह, उसके जिस्म पर शराब लगी हुई है, उसके हाथों से शराब के कतरे टपक रहे हैं, उसके नाखून से शराब गिर रही है। ये जालिमा उठती है, अरे शराबी हाथों से, शराबी कदमों से आगे बढ़ती है, उस ये शराब के मटके के पास नहीं जाती है, बल्कि उस यजीदी के घर में चली जाती है। अरे इसकी जरा, इसके ये दिल का सख्तपन तो जरा देखो मेरे भाई। अरे वो जमाना आ गया, वो कुरान, वो इस्लाम जिसकी हिफाजत मेरे नबी कर रहे थे, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली कर रहे थे। अरे नबी के दांत शहीद हुए इस इस्लाम की खातिर, नबी ने पेट से पत्थर बांधे इसी की खातिर, अरे भूखे रह रह करके इबादत की है इसी की खातिर। लेकिन वो शराबी औरत जिसके हाथों से शराब गिर रही थी, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, कुरान पाक पर हाथ लगा देती है, शराबी हाथों से कुरान पाक को उठाती है और उठाने के बाद कुरान पाक जिस्म पे लगाती है, शराबी जिस्म पे लगा करके लाने के बाद शराब के मटके को कुरान से ढक दिया जाता है। अरे जमीन कांप जाती है, आसमान लरस जाता है, मेरे नाना कब्र के अंदर बेकरार आवाज आ जाती है, बेटे हुसैन अब इम्तिहान का वक्त आ जाता है, बेटे हुसैन। अरे नाना पहुंच जाते हैं, नाना के रोजे पे हुसैन पहुंच जाते हैं, रो रो करके कहते हैं, नाना मेरे बच्चों के पांव के नीचे नूरानी फरिश्ते पर भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन आज कुरान की तौहीन हो रही है। ए नाना अभी आपका हुसैन जिंदा है, माना मेरे बाप हयात नहीं है, मेरे सिद्दीक अकबर जाहिरी दुनिया में नहीं है, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली नहीं है, लेकिन नाना अभी आपका बेटा हुसैन जिंदा है, इसी कुरान की तौहीन होने नहीं देगा। अरे इसीलिए जब हुसैन ने देखा तो अपने बच्चों से कहा, चलो अब इस्लाम की इज्जत को बचाना है, चलो अब इस्लाम को बचाना है, चलो। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो बच्चों को बचाने नहीं बल्कि बच्चों को कटाने गए थे, इस्लाम को बचाने गए थे। करबला में जो गए थे नाना का वायदा वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत नारे हौसियत जिक्रे शहीदाने करबला शरीफ जिक्रे शहीद आजम।